इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कासगंज में अज्ञात ट्रैक्टर ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने घायल की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक इमरान पुत्र शेर मोहम्मद और घायल शौकीन गंज डुरवारा कस्बे के निवासी थे। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सिरपुरा क्षेत्र के गांव देहली बुजुर्ग के पास पुल पर यह हादसा हुआ। ये हमारे कस्बा गंजनवारा मेला खैरू के नफीस भाई है, उनका बेटा है इमरान, और ये अमापुर से खाना पका के आ रहा था। ये खाना पकाने का काम करते हैं ब्याह शादियों में, तो यहाँ सुपड़ा में उसकी रिश्तेदारी थी। उसके अपने एक साथी को किसी रिश्तेदार को छोड़ने लिए आ रहा था, तो सुपड़ा क्षेत्र में कोई ट्रैक्टर था, उसको उसने टक्कर मार दी, इससे कि इस बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कानपुर वाराणसी नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस का सोमवार को पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। ये दोनों स्टेशन के मध्य चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन शाम को 6 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी, जहां उसका स्वागत किया गया। इस रिवर्स वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से वाराणसी से सुबह प्रयागराज कानपुर नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधा मिलेगी। इसका लाभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु, वाराणसी और दिल्ली जाने वाले व्यापारियों को मिलेगा। नियमित रूप से 20 दिसंबर से संचालन होगा। आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन के स्वागत कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को ट्रेन से इटावा तक का सफर भी कराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, मेयर प्रमिला पांडे, विधायक महेश त्रिवेदी, रेलवे के DRM हिमांशु बडौनी, सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष सिंह, ACM संतोष त्रिपाठी के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश की प्रगति के लिए जो रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने रेल कनेक्टिविटी बनाने के लिए बनारस से दिल्ली तक के लिए एक नई वंदे भारत की सौगात दी है। मैं समझता हूँ इस गाड़ी के चलने से जो कानपुर के यात्री सुबह 10:30 बजे चलेंगे, 2 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्योंकि पता है कि देश की पहली वंदे भारत 2019 में इसी मार्ग पे बनारस और नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी, और ये सुअवसर है कि दोबारा एक और वंदे भारत, रिवर्स वंदे भारत जिसको हम बोल रहे हैं, वो बनारस से और नई दिल्ली के मध्य पुनः आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आज हरी झंडी दिखाकर इसको चलाया गया है, और इसकी नियमित जो सेवा है वो 20 तारीख से प्रारंभ होगी। झांसी थाना क्षेत्र के ग्राम के निवासी ने समथर थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 18 तारीख को दोपहर के समय जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी 3 साल की मासूम बेटी नहीं मिली। जो प्रार्थी ने परिवारजनों से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव का ही निवासी सुमित पुत्र चंद्रशेखर रविवार उसकी पुत्री को खिलाने के लिए अपने साथ ले गया। उसने अपनी बेटी की काफी खोजबीन की। उसे गांव वालों से जानकारी मिली कि सुमित उसकी बेटी को खिलाते हुए गांव के बाहर की ओर ले गया था। काफी खोजबीन करते हुए उसकी बेटी एक मकान के अंदर बेहोश हालत में पड़ी मिली, जिसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे और खून से लथपथ थी। मौके से सुमित भागता हुआ नजर आया। प्रार्थी ने संबंधित थाने को घटना की सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी को कब्जे में लेकर इलाज के लिए मोड़ भिजवाया है और घटना की जांच में जुट गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नानकारी गांव में 4 भैंस चोरी मामले को लेकर पीड़ित ने कानपुर पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दूध का कारोबार करने वाले कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नानकारी गांव निवासी प्रहलाद ने हल्कापुर गांव निवासी शुल्का परिवार पर अपनी कीमती भैंसों की चोरी का आरोप लगाते हुए बताया कि 23 नवम्बर को आरोपी परिवार ने उनकी लगभग 5 लाख की कीमत की 4 भैंसों को चुराया था और अब सीना जोरी कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी की माने तो उन्होंने खुद ही भैंसों को ढूंढने की कोशिश की तो उनको भैंस शुक्ला परिवार के घर पर मिली, लेकिन जब तक वो पुलिस को लेकर वहां पहुंचे तब तक लोडर में लादकर भैंसों को वहां से गायब कर दिया गया। भैंस चराने वाले गवाह भी उनके पास है, लेकिन फिर भी पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए आज वो पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायती देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को बहरा फुसलाकर जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया। जांच में ड्यूटी पुलिस कोल्हुई थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नाबालिग बच्ची को एक महिला द्वारा बहरा फुसलाकर देह व्यापार कराने को मजबूर किया गया। नाबालिग के भाई की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत, आगे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को थाना कोल्हुई पुलिस को थाना पुरंदरपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग बहन जिसकी आयु 16 वर्ष है, एक महिला द्वारा उसे बहला फुसलाकर अपने घर पर जबरदस्ती देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कोल्हुई पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया तथा उसके भाई की तहरीर पर थाना एएसटीयू में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। हरदोई में नवजात शिशु का नाले में शव मिला। नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से काला मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा अजमत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गृह प्रवेश के कार्यक्रम के बाद वापस घर लौटते समय कार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कई बार पलटते हुए सड़क किनारे बीच तालाब में कार जा गिरी। करीब एक घंटे तक मदद के लिए चिल्लाते रहे तालाब के अंदर कार में फंसे कार सवार 40 वर्षीय मां नीलम और 10 वर्षीय बेटी अमन की कार के अंदर ही मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची रामनगर पुलिस ने कार सवार मृतक मां बेटी और अन्य गंभीर लोगों को बाहर निकलवाया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के स्थित चंद्रापुर से रानी बाजार गृह प्रवेश में सभी आए थे। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अंबिका स्कूल रानी बाजार के निकट की पूरी घटना है। रामनगर थाना क्षेत्र में एक गृह प्रवेश से लौटते समय एक ही परिवार के कुछ लोग जो एक वैगन आर गाड़ी में बैठे हुए थे, जिस साइड से आ रहे थे, अचानक गाड़ी एक तालाब में चली गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनको जब हॉस्पिटल लाया गया तो इसमें से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं जिनका इलाज हो रहा है, और दो कैजुअल्टी हुई जिसमें 10 साल का एक बच्चा है और उसकी माँ है, ये दोनों कैजुअल्टी हुई है। घायलों का इलाज हो रहा है। इस संबंध में आवश्यक विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पीलीभीत के दियोरिया रेंज में काटी जा रही घास ले जा रही बिना नंबर प्लेट की ट्रैक्टर ट्रॉलियां धड़ल्ले से सैकड़ों बीघा पर यहां ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो पलीता लगा रही हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर घास ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर डीएफओ ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोबारा घास काटने का खेल शुरू हो गया है। घास माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पीलीभीत जनपद के दियोरिया रेंज के घुंचाई बीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मोबा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डरहरा स्थित पत्थर खदान में अनियंत्रित ट्रैक्टर 150 फीट गहरी खदान में जा गिरी। खनन के दौरान खदान में ट्रैक्टर गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी खदान संचालक ने परिजनों को सूचना नहीं दी। जानकारी पर पहुंचे परिजनों में मातम है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद से पहाड़ संचालक भूपेंद्र यादव उसके मुनीम लापता हैं। दुर्घटना में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। मृतक के परिजनों ने पहाड़ संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुर्घटना के बाद पहाड़ संचालक मौके से फरार है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया। हालांकि महोबा जिले के पत्थर खदानों में हादसे के दौरान मृतक मजदूरों के परिजनों से मामले को रफा दफा करने के लिए अक्सर मैनेजमेंट के प्रयास किए जाते हैं। इस मामले में जिला अस्पताल के डॉक्टर पंकज राजपूत बताते हैं कि युवक को मृत अवस्था में ही लाया गया था। पहाड़ से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। स्वास्थ्यकर्मी आने जाने वाले गरीब मरीज और तीमारदारों से इलाज के नाम पर मनमानी धन उगाही करने में लगे हुए हैं। एक आदिवासी व्यक्ति से इलाज के नाम पर 280
रुपए लिए गए और उसे 180 रुपए की बाहर की दवाई ली गई। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत सीएमएस से की तो आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी ने पीड़ित को धमकाते हुए भविष्य में अस्पताल में इलाज न करने की चेतावनी दे दी। इस मामले में पीड़ित ने शिकायत की है कि जिस पर सीएमएस ने गंभीरता दिखाते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही है। इस पूरे मामले में सीएमएस ने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को पत्र जारी कर जिला अस्पताल के नियमों और शासन के मंशानुसार काम करने की हिदायत देने की बात कही है। पूरे मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल जिला अस्पताल में एक आदिवासी व्यक्ति के साथ घटित यह मामला कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक बानगी है। जिला अस्पताल में तमाम ऐसे मरीज आर्थिक शोषण ठगी का शिकार हो जाते हैं जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धन उगाही और सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में सीएमएस के कड़े रुख के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बदलाव आता है। झांसी के बबरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के देवरी खिड़की बरुआ मोड़ पर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस, मृतक महिला का कई सालों से पति से विवाद चल रहा था। महिला मायके में रहकर अपनी गुजर बसर कर रही थी। मृतका के बेटे ने भी पिता पर हत्या का आरोप लगाया। बबरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फतेहपुर जिले में जमीन कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार के घर में आग लगाकर दबंगई दिखाई गई। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसी उसके जमीन में कब्जा करने की नियत से घर में घुसकर छेड़खानी और रास्ते में आते जाते परेशान करते हैं। स्थानीय थाने से लगाकर एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिले के बीन की कोतवाली क्षेत्र के गांव में दबंगों ने पहले मां बेटी के साथ छेड़खानी की। जब मां बेटी ने जमीन पर कब्जे का विरोध किया तो घर में आग लगाकर दबंगई दिखाई। हालांकि इस मामले में एसपी से बात करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं महिला पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रही है। बीस साल पुराने राशन घोटाला मामले में मंदसौर के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगों को मंदसौर न्यायालय ने 5-5 साल की सजा और 4.51 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक साल 2002 में गरीबों को राशन सामग्री वितरण के लिए गठित समिति और मौजूदा जिला सहकारी बैंक उपाध्यक्ष और तत्कालीन कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गौतम और समिति के अन्य 15 सदस्यों ने गरीबों को वितरण करने के लिए सरकार से मिलने वाला राशन गरीबों को ना बांटते हुए बाजार में व्यापारियों को बेच दिया था। पूरे मामले में जांच के बाद करीब 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था। 2005 से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और करीब 252 पेशियों के बाद अब 20 साल बाद प्रथम अपर और जिला सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने सभी 16 आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में 16 में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, लिहाजा कोर्ट ने महिला पुरुष 11 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की। मीडिया से चर्चा में आरोपी भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि हमें न्याय पर विश्वास है, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आगे न्यायालय कार्रवाई जो भी होगी वो मानी जाएगी। पौड़ी जिले के गंगवा डीसीयू सांस्कृतिक और विकास समिति द्वारा लवाली बाजार में आयोजित गंगवा डीसीयू महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया। विधायक पौड़ी ने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से सांस्कृतिक विरासत की झलक आने वाली पीढ़ी को दिखाई देती है और संस्कार नई पीढ़ी में पहुंचते हैं। उन्होंने इस मौके पर जहां मंच निर्माण को लेकर सहयोग देने की बात कही तो वहीं इस मौके पर स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं लोक गायिका हेमा नेगी करासी की टीम द्वारा सांस्कृतिक और लोकगीत की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर दर्शक हेमा नेगी करासी के गानों पर झूमते हुए नजर आए। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवान, उपाध्यक्ष मनोज जम्पोला, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जोगराण, ज्येष्ठ प्रमुख कोट प्रमोद नेगी, जसपाल बुटोला, महावीर सिंह रावत और राकेश निधि मौजूद रहे। महोत्सव के अवसर पर हो रहे हैं और ये लगातार पिछले 4 सालों से हो रहा है। आज उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, मैंने भी वहाँ पर जाकर प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के भी रंगारंग कार्यक्रम थे और सांस्कृतिक टीम वहाँ पर आ रखी थी। हेमा करासी की टीम थी आज, उसने भी बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन गाने सुनाए, लोगों को मंत्रमुग्ध किया।
सबसे पहले तो मैं गगड़छो पट्टी का जद का भी ये ग्राम सभा क्षेत्र का लोग सबूतों में बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करो और जो गगड़छो महोत्सव का जद का भी पदाधिकारी छिन ये अध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष और तमाम जद का भी पदाधिकारी छिन सब को मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद करो कि आपन ये कार्यक्रम का वास्तव में यकमुनी होती। पेरोई सत्र शुरू होने के एक महीने बाद भी उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। गन्ने का मूल्य घोषित न होने पर किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण करने में जुटी हुई है। पेराई सत्र शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है। किसान अपनी फसल का मूल्य जाने बिना ही गन्ने की फसलों को बेच रही है। महंगाई के इस दौर में किसानों का गन्ना बहुत कम मूल्य में चीनी मिलों में खरीदा जा रहा है। सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। बेहाल मजदूर किसान सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। जनपद हरिद्वार के किसानों की फसलें बाढ़ के चपेट में आ गई हैं। बाढ़ के चलते किसानों को भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन उत्तराखंड सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही। किसानों ने सरकार से गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की मांग की है, जिससे फसलों में किसान की लगाई हुई लागत किसानों को मिल सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करती तो किसान भारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।